गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हमारा चैप्टर 15 चल रहा है, नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस, जिसकी हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। नाउ यहाँ पर आपको जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके बारे में कुछ यहाँ रूल्स दिए हुए हैं जो हमको रिवाइज करना है, और उसके अकॉर्डिंग 2 एक्सरसाइज दी हुई है जो हमको कंप्लीट करना है। सो रिमेंबर, मतलब कि आपको चैप्टर में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है वो यहाँ पर याद दिलाई है। फर्स्ट है, वी यूज़ डज फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, ओके। जब हमने देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर सेंटेंस में, तो उसको नेगेटिव्स बनाने के लिए और उसको क्वेश्चन बनाने के लिए हमने डज का यूज़ किया था। वी यूज़ डू फॉर आई यू एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ होता है, और साथ में आई और यू के साथ भी डू का यूज़ होता है। नेक्स्ट रूल है, वी नेवर यूज़ एस और ई एस विथ अ वर्ब आफ्टर डज। ठीक है, जब भी हम डज का यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो वर्ब होती है उसमें एस और ई एस नहीं यूज़ होता है, उसमें एस ई एस कभी नहीं लगाना है। द शॉर्ट फॉर्म्स डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, एंड डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा डजंट। तो इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमको ये नीचे वाली जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करना है। सो योर फर्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग डू डज, यूज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट डज नॉट। ठीक है, यहाँ पर हमको डोंट और डजंट का यूज़ करना है, डू नॉट और डज नॉट के शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना है। फर्स्ट है, ट्रेन्स डैश ऑन टाइम। ठीक है, यहाँ पर आपको हेल्प वर्ड्स दिया है नॉट रन, तो नॉट रन का क्या होगा, ट्रेन्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, डोंट, ट्रेन्स डोंट रन ऑन टाइम। ठीक है, वर्ब में एस ई एस नहीं आएगा, तो यहाँ पर वर्ब क्या आ जाएगी हमारी, रन, और डू का क्या लिखना है हमको, डोंट लिखना है, क्योंकि यहाँ पर नॉट रन दिया हुआ है, हमको इसको नेगेटिव बनाना है। सेकंड, गुड पीपल डैश लाइस। गुड पीपल भी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोंट, तो डोंट टेल लाइस, अच्छे लोग झूठ नहीं बोलते हैं। कॉफ़ी डैश इन इंग्लैंड, तो यहाँ पर दिया है नॉट ग्रो, कॉफ़ी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज आएगा, कॉफ़ी डजंट ग्रो इन इंग्लैंड। ठीक है, कॉफ़ी इंग्लैंड में नहीं उगती है। चिल्ड्रन डैश होमवर्क, नॉट लाइक यहाँ पर दिया है आपको, नॉट लगाना है, और लाइक वर्ब दी हुई है। चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल वर्ड है, चिल्ड्रन मीन्स होता है बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ पर क्या होगा, डोंट, चिल्ड्रन डोंट लाइक होमवर्क। नेक्स्ट है, अ जेंटलमैन डैश एट अदर्स। जो जेंटलमैन है यहाँ पर एम एन दिया है, मतलब कि सिंगुलर है, तो जेंटलमैन सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे, अ जेंटलमैन डज नॉट लाफ एट अदर्स, मतलब अच्छे लोग दूसरों की हंसी नहीं उड़ाते, दूसरों पर नहीं हंसते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो हो गई हमारी निगेटिव्स की। नाउ योर सेकेंड एक्सरसाइज, बिगिन ईच क्वेश्चन विद डू और डज। अब यहाँ हमको क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन बनाने के लिए हमको इसको डू और डज से स्टार्ट करना है। सो योर फर्स्ट है, डैश काउज एट ग्रास। अब यहाँ काउज है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, डू आएगा, यहाँ ऑलरेडी डू लिखा हुआ है, डू काउज एट ग्रास क्वेश्चन मार्क, ओके, क्वेश्चन बनाना है यहाँ पर। डज अ काउ ईट ग्रास, अब यहाँ काउज था मतलब बहुत सारी गाय, अ काउ लिखा है मीन्स एक गाय, इसलिए सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर के साथ डज आता है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, डज, डज अ काउ ईट ग्रास। योर स्कूल बिगिन एट 8:30, योर स्कूल मतलब तुम्हारा स्कूल, एक स्कूल की बात हो रही है, तो डज योर स्कूल बिगिन एट 8:30। डैश दी शॉप्स ओपन एट 9 o'clock, दी शॉप्स मीन्स प्लूरल है, बहुत सारी दुकानों की बात हो रही है, तो क्या होगा, डू दिस शॉप्स ओपन एट 9 o'clock। डैश योर सिस्टर स्पीक गुड इंग्लिश, योर सिस्टर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज आएगा, डज योर सिस्टर स्पीक गुड इंग्लिश। डैश यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, यू के साथ डू आता है, आई के साथ डू आता है, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, डू, डू यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर नेगेटिव्स और क्वेश्चन दोनों के आंसर यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। आपको भी बुक में इसी तरह कंप्लीट करना है और इनके अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है ये फिनिश होता है। आपको अच्छे से डू डज और डिड सबके जो
यूजेज है उसको अच्छे से लर्न करना है, कहाँ पर वी वन आएगी, कहाँ पर वी टू आएगी, कहाँ पर एस ई एस आएगा, कहाँ पर एस ई एस नहीं आएगा, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।